कोरबा जिले में रेत की आपूर्ति अभी भी सामान्य नहीं हो सकी है। कई प्रकार की अड़चनों के कारण अवैध गतिविधियां जोर पकड़ रही हैं। खनिज विभाग के पास भी इस बारे में शिकायतें पहुंच रही हैं। पिछले कुछ महीनों में विभाग ने लगभग 25 की संख्या में कार्रवाई भी की है। रेत की चोरी और परिवहन को लेकर कोरबा जिला काफी समय से सुर्खियां बटोर रहा है। कई मौकों पर एक्शन के बाद भी इस दिशा में कोई खास सुधार नहीं हो सका। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा 15 जून से 15 अक्टूबर की अवधि में रेत के दोहन पर प्रतिबंध लगाया गया था। प्रतिबंध हटने के बाद भी रेत की उपलब्धता सामान्य नहीं हो सकी है। अब हालात ऐसे हैं कि कई क्षेत्रों में रेत की चोरी बड़ी आसानी से हो रही है। हालांकि खनिज विभाग के अधिकारी बताते हैं कि इस तरह के मामलों पर नजर रखने के लिए हमारी दो टीम सक्रिय हैं। रेत खदान एक दो स्वीकृत अभी कुछ दिनों में हमारे होने वाले हैं शहरी क्षेत्र में, और इस बीच कुछ अवैध उत्खननकर्ताओं के, जैसे आप लोगों के माध्यम से हमें शिकायत मिलता है, जैसे गेरवा क्षेत्र हुआ, राता खार आसपास, तो इसमें हम लोग विगत महीने भर से लगातार कार्रवाई करते आ रहे हैं। और हमने दो टीमों का गठन किया है जो एक समय अंतराल पर शहर एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों पर दौरा करते हुए अवैध परिवहन करते हुए वाहनों पर कार्रवाई कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस प्रकार के मामलों में खनिज विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। पिछले कुछ महीनों में हमने लगभग 25 मामले बनाए हैं और वाहनों को जब्त किया है। इस प्रकार की शिकायतें हमें मिली है, राता खार हो, गेरवा था, तो उसी क्षेत्र पर हम लोग रात में और दिन में एक बार हमारी टीम वहाँ पर निगरानी के लिए जाती है, और इसमें लगभग हमने वहाँ पर विगत 10 दिनों में कम से कम 8 से 10 प्रकरण वहीं आसपास क्षेत्रों में बनाए हैं। और सीतामढ़ी में हमने जो नाका है उसको भी बंद करवाया था, और आसपास जो क्षेत्र हैं उस पर लगातार हम लोग निगरानी रखेंगे। लगभग 25 से 30 प्रकरण अभी हमने दर्ज कर लिए हैं। कोरबा जिले में रेत की चोरी काफी समय से धड़ल्ले से होती रही है। रेत की चोरी करने वालों पर पेनल्टी करने तक विभाग सीमित है। माना जा रहा है कि जब तक इस मामले में वाहनों को राजसात नहीं किया जाएगा, अच्छे परिणाम की कल्पना नहीं की जा सकती। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए पवन तिवारी के साथ तरुण मिश्रा की रिपोर्ट।